अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सज्जाद अली बिदर। मैं हूं हैदराबाद की मशहूर व मरूफ मक्का मस्जिद पर। तो ये इतनी मुकद्दस मस्जिद है, मैं आपसे क्या कहूं कि यहां पर मक्के से पत्थर लाकर मस्जिद के पीछे लगाया। यहां पर वीडियो का अलॉट नहीं है, मैं अभी आपको फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे ब्लॉग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद की ज़्यारत करा सकूँ। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर मक्का मस्जिद के अंदर जो झूमर है, जो कदीमी तौर पर जिस तरह की डिज़ाइनिंग और जिस तरह के यहाँ पर जो बनाए गए हैं, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एक और चीज़ जो मस्जिद में मुझे सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, जिस तरह से मस्जिद नबवी में बिल्लियाँ घूमते रहती हैं, तो आप देख सकते हैं मक्का मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा तादाद में बिल्लियाँ घूम रही हैं। माशाल्लाह बहुत ही मुबारकबाद है, बहुत ही प्यारी बात है, क्योंकि मेरे सरकार को बिल्लियाँ जो है बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल्ली खड़ी हुई है, यहाँ पर एक बिल्ली आराम कर रही है, और यहाँ पर भी एक से एक खूबसूरत बिल्लियाँ यहाँ पर मस्जिद में घूम रही है। ऐसा नज़ारा लग रहा है कि मैं मदीने में आ चुका हूँ। जिस तरह की मस्जिद नबवी में आप देखते हैं, मेरे सरकार के सबसे गुम्मत में आप देखते हैं, तो आपको दिखेंगे कहीं भी बिल्लियाँ जहाँ पर घूम रही हैं। तो यहाँ पर आने में मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं मस्जिद नबवी में हूँ। तो आप देख सकते हैं वज़ू खाने पर आप बिल्लियों को देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से इन बिल्लियों को आराम से घूमा फिरा देखा जा सकता है। तो ये जो बिल्लियाँ हैं मेरे सरकार को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इन बिल्लियों को देख कर मुझे ऐसा लगा कि मैं मदीने में हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तख़्त है पुराने कदीमी तौर पर बनाए हुए, ये बहुत ही बड़े ग्रेनाइट और मार्बल्स के पत्थर है, उस पर ये तख्त बनाए गए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मक्का मस्जिद, माशाल्लाह मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किस तरह से यहाँ पर रूह को सुकून मिल जाता है। अल्लाह का फजल व करम है कि मुझको यहाँ पर आने का मौका मिला। ये है मस्जिद का वज़ू खाना, आप देख सकते हैं। वैसे तो बिल्लियाँ पानी से चिढ़ती हैं, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं हैरत अंगेज मंज़र है कि बिल्ली पानी में बैठी हुई थी। यहाँ पर बिल्लियाँ गीली होने से या फिर पानी से चिढ़ती हैं, मगर यहाँ पर बिलखसूस आप देख सकते हैं बिल्लियाँ ख्वाहिश करके जा रही हैं पानी के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक इमारत है, इसमें मज़ारात है, और ये नज़ारा है मक्का मस्जिद का। चलो गेट बंद। सो गाइस, तो अभी वक्त हो चुका है मस्जिद से बाहर जाने का, अभी वक्त है गेट बंद होने का, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट टाइमिंग है 9 बजे तक ही है। तो माशाल्लाह हमको इतना ज़्यारत तो करने का मौका मिल चुका है मस्जिद का। और आप सभी यहाँ पर अपने कमेंट्स में बताइए कि आप मक्का मस्जिद का आकर कितने दिन हुए, या फिर आप मस्जिद मक्का मस्जिद कभी आए ही नहीं हैं या फिर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ से नज़ारा दिखा दूँ मस्जिद के जो वज़ू खाने के पास जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है चार मीनार का, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मक्का मस्जिद के जो वज़ू खाने पर जो चार मीनार की लाइटिंग के जो रिफ्लेक्शन है आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरती से बनाया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं चार मीनार के जो रिफ्लेक्स है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और आपको मैं बता दूँ वज़ू खाने की जो चौकियाँ हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा उम्दा और कारीगरी से बनाई गई है, आप देख रहे हैं। जी सर, यस सर, ये रहा चार मीनार और ये रही मक्का मस्जिद। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेइंतहा खूबसूरत और रहमत वाली जगह मक्का मस्जिद। तो आप मक्का मस्जिद की जो मीनार है और यहाँ का जो आर्किटेक्चर्स यानी कि यहाँ की जो बनावट आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया है। ये रही मक्का मस्जिद की सीढ़ियाँ, जहाँ पर अक्सर लोग काफ़ी तादाद में बैठते हैं यहाँ पर आराम करते हैं। और ये रहा चार मीनार और ये रही मक्का मस्जिद। तो दोस्तों आप हमें बताइए मक्का मस्जिद की ज़्यारत आपको कैसी लगी। हमारे वीडियो पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक आ रही है यहाँ पर मस्जिद को देखने के लिए। ये है मक्का मस्जिद और काफ़ी यहाँ पर लोग आ रहे हैं देखने के लिए, इनको थोड़ा सा चांस और मौका मिल गया कि गेट को चालू कर सके। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा चार मीनार। ये रहा चार मीनार, ये रही मक्का मस्जिद। तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी और पुलिस ऑफिसर्स पब्लिक को यहाँ से खाली करा रहे हैं, क्योंकि
मस्जिद को बंद करने का वक्त हो चुका है। यहाँ पर भी एक इमारत है जो मक्का मस्जिद के बिल्कुल करीब में ही अपोजिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमारत है जो लगता है काफ़ी कदीमी है। और ये रहा चार मीनार, और आप देख सकते हैं मक्का मस्जिद के मीनार और मक्का मस्जिद की जो बनावट है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये रहा मक्का मस्जिद। तो दोस्तों आपको बताऊंगा, मक्का मस्जिद इसलिए इसको नाम पड़ा कि यहाँ पर मक्के यानी कि काबे शरीफ का पत्थर यहाँ पर मस्जिद की तामीर, कई बार यहाँ पर मस्जिद की तामीर कराते गए मगर अचानक से मस्जिद गिरी आती थी यहाँ पर। तो जब मक्के से यानी कि काबे शरीफ का एक पत्थर लाकर इस मस्जिद की तामीरी में लगाया गया, उसके बाद ये मुकम्मल हो गई मस्जिद। जब तक यहाँ पर काबे शरीफ का पत्थर नहीं लगाया तो यहाँ पर मस्जिद कभी बनी ही नहीं। इसकी इमारत को बनाते जाते हैं मस्जिद की और वो गिर जाती, ऐसा मंजर होता। तो इसीलिए इस मस्जिद का नाम पड़ गया है मक्का मस्जिद, क्योंकि यहाँ पर काबे शरीफ का पत्थर मस्जिद में इमारत में लगाया गया है। तो मस्जिद के पीछे बाजू से है वो पत्थर, मगर अब यहाँ पर वीडियो का ज़्यादा अलाउट नहीं है तो मैं इसको आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ कहीं आपकी नज़र जाए आपको बिल्लियाँ ज़रूर दिख जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्लियाँ इस तरह से टहल रही है, जितनी यहाँ पर बिल्लियाँ टहल रही हैं उतनी यहाँ पर लोग भी नहीं होंगे शायद। तो इन बिल्लियों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि काश मैं मदीने में आ चुका हूँ और यहाँ पर इस तरह सा रूहानी सुकून मिल रहा है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बिल्लियाँ घूम रही हैं। तो ये मंजर आम देखकर दिल को बहुत ही सुकून और तसल्ली महसूस हो रही है। और मैं इस वीडियो को आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर आ नहीं सकते या फिर बहुत दूर होते हैं या फिर इंडिया से बाहर होते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल और मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप मस्जिद की भी ज़्यारत कर सकें, यहाँ का दीदार कर सकें और यहाँ के बारे में आपको भी मालूम हो। तो दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी टाइट पड़े नहीं होती थी, किसी वक्त में यहाँ पर मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर बहुत ही टाइम टू टाइम कंडीशन सभी को यहाँ से निकाला जाता है और यहाँ पर फुल पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी चेकिंग करने की मशीन्स है जो बंद की जा रही है, क्योंकि बंद करने का वक्त है। और अभी यहाँ पर गेट भी मस्जिद का बंद होने वाला है और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी यहाँ पर गेट बंद कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मस्जिद का गेट कितना बड़ा है, वो रहा मस्जिद का गेट, मैं आ रहा हूँ बाहर। आप देख सकते हैं मोड़े बड़े जंजीरों से बने हुए इस मस्जिद के गेट पर, देख सकते हैं यहाँ पर गेट बंद होने पर है, यह है मस्जिद का गेट। तो अभी फ़िलहाल मस्जिद का गेट बंद हो रहा है क्योंकि 9 बजे तक ही टाइमिंग है इस गेट को बंद होने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट पूरी तरह से बंद हो चुका है और हम जैसे ही बाहर आते हैं यहाँ आपको दिलकश नज़ारा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाज़ार जो यहाँ पर मौजूद है चार मीनार के बिल्कुल ठीक सामने। और ये रही हमारी मक्का मस्जिद। तो आप देख रहे थे नज़ारा, ये है चार मीनार का बाज़ार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नाइट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर पुलिस वाले भी पब्लिक को कह रहे हैं कि हट जाओ रास्ते से। और ये रहा हमारा चार मीनार और ये रहा मक्का मस्जिद का गेट। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ऑल कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे नई जगह नए वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिए।